झांसी के पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह के सगे साले तथा नगर पंचायत मोंठ के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव, पूर्व विधायक के साले सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराधी लेखराज को छुड़ाकर लेने जाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी किए जाने का दावा किया है। ये सब मामला चल ही रहा था कि भारी भरकम पुलिस बल ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के आवास पर छापा मारा। आरोप लगा है कि पुलिस बल बिना किसी सर्च वारंट के सीधा घर में घुस गई और दीप नारायण सिंह यादव के पुत्र दीपांकर यादव को पकड़कर अपने साथ ले गई। इसके बाद पुलिस फोर्स दीप नारायण सिंह यादव के गांव भगवंतपुरा में विकसित की हुई मून सिटी में पहुंची। वहां के गार्डों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए गए। दीप नारायण सिंह यादव ने पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र का कोई पता नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी उनके पुत्र का दोष भी नहीं बता पा रही है कि आखिर उसे किस वजह से पकड़ा गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गरौठा दीप नारायण सिंह यादव ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उनका लेखराज से कोई लेना देना नहीं है, ये सब जवाहर सिंह के शह पर हो रहा है करके सबने मिलकर मुझे फंसाया है। जवाहर जी बिना कारण इस घटना को बड़ा चढ़ा के मुझसे जुड़े हैं। मेरे 10 साल से शादी से कोई रिश्ते नहीं है। मेरी पत्नी के खिलाफ चुनाव में वो फतवा जारी कर रहा था, मेरी दुआ सलाम नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ इतनी बात तारीखों से बरसों से आ रहा, कभी किसी ने देखा क्या करा रहा हूँ तो मिलते हुए भी उससे देखा किसी ने कभी बात करते हुए? आप झूठी घटना बनाकर एक कहानी रच कर चले चले। विधायक जी पुत्र आपके लड़के को हिरासत में लिया, मेरे बेटे को पकड़ लिया, फिर मुझसे ये कहा गया कि आपको न्याय दिलाऊंगा। गिरफ्तारी हुई है कि सिलेंडर नहीं नहीं न्याय के नाम पर बुलाया मुझे, न्याय करूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा और मेरी बात सुनिए। अधिकारियों से मिलवाया, किसी से नहीं मिलवाया, मुझे गाड़ी से घुमाते रहे यहाँ से लेकर वहाँ तक, मैं इनसे मिलवाया। वहीं झांसी डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों झांसी न्यायालय में कन्नौज जेल से पुलिस अभिरक्षा में एक शातिर अपराधी लेखराज सिंह यादव को पेशी पर लाया गया था। स्कॉर्पियो कार में बैठे लोगों ने पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, कई बार इस गाड़ी को आगे पीछे किया, साथ ही लेखराज को छुड़ाने का प्रयास किया। साथ ही कहा कि दीप नारायण सिंह की साजिश थी कि लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया जाए। जैसे कि पता है कि दीप नारायण सिंह का खुद का लंबा आपराधिक इतिहास है, विभिन्न थानों में सालों से 40 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, इनमें पुलिस को आई विटनेस मिले हैं, इसके अलावा अन्य कई साक्ष्य हैं। इसी प्रकरण में साजिश में दीप नारायण सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है, इनका भी लंबा आपराधिक इतिहास है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना में जो प्रयुक्त गाड़ी है जिससे पुलिस अभिरक्षा से अब बंदी को छुड़ाने की कोशिश की गई थी, सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो UP 93 BR 1100 अनिल यादव के नाम रजिस्टर्ड है और उसी की है, और यह गाड़ी दीप नारायण के साले के घर पे मिली है हमें जब हम लोगों ने दबिश दी। और यह अनिल यादव जो है वो दीप नारायण के साले का साला लगता है, रिश्तेदार लगता है, और जिसने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर कचहरी से लेकर के जनपद झांसी के मौठ थाने तक अभियुक्त को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी और यह मौके पर अवेलेबल रहा। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 11 पहले और एक आज को टोटल अभी तक 12 गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार दीप नारायण सिंह का खुद का लंबा आपराधिक इतिहास है, विभिन्न थानों में सालों से 40 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं लेखराज सिंह यादव मामले में दीप नारायण सिंह अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद सब चीजें सामने आएंगी, किन किन अन्य मामले में दीप नारायण सिंह पर और मुकदमे दर्ज होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से शहजाद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।